डेली दब जॉब में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ कि अभी जो दुबई का है करंट सिनेरियो, दुबई का फ्लाइट 5 तारीख से चालू हो गया है। तो दुबई कौन कौन आ सकता है और कहाँ कहाँ का वैक्सीनेशन जो है जिसको अप्रूवल दुबई गवर्नमेंट ने दे दिया है, और बेसिकली जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैं जो यहाँ से छुट्टी गए हैं तो वो लोग आ सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों जो इंडिया वाले हैं जो दुबई के अंदर से इंडिया गए हैं और उनका वीज़ा 6 महीना वैलिड है, अभी से 6 महीना वैलिड है, और जो दुबई के अंदर वैक्सीन लेके गए हैं, मतलब दोनों वैक्सीन का दोनों डोज लेके गए हैं फर्स्ट और सेकेंड, तो वो लोग दुबई आ सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा कुछ प्रोसीजर है, उसके बारे में बात कर लेते हैं क्या क्या उनको प्रोसीजर फॉलो करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि उनको यहाँ आने से पहले एक ICA का फॉर्म है उसको फिलअप करना है, उसमें ये दिखाना है कि उनका RT-PCR जो कोविड टेस्ट है उसको अपलोड करना है, वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है, पासपोर्ट और अपने डिटेल्स के बारे में, और जो भी यहाँ का होटल में आपने बुकिंग किया या आप कहाँ रहते हो, आपका जो फूड अकोमोडेशन है उसका डिटेल्स डालना है। उसके बाद से वो अप्रूव हो जाएगा, अप्रूवल होने के बाद से आपको एक लेटर मिल जाएगा, उसके बाद से आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। जो इंडिया में बैठे हुए हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि इसको बहुत स्ट्रिक्टली दिखा रहे हैं कि नहीं ये बहुत, मतलब दुबई गवर्नमेंट ने सही नहीं किया और ये अच्छा नहीं है इंडियन के साथ में, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा बहुत ज़्यादा तेज़ी से मिडिल ईस्ट के अंदर कोरोना का डेल्टा वेरियंट फैल रहा है, जिसके वजह से जो भी गवर्नमेंट है यहाँ के, जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर एक कतर का जो टोटली ओपन है वीज़ा, बाकी बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब अभी भी क्लोज है, आप डायरेक्ट इंडिया से नहीं आ सकते हैं। इसके वजह से दुबई गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है कि जिस किसी को भी इंडिया से या बांग्लादेश, पाकिस्तान से बुलाना है उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली बाई रूल बुलाएगी, ताकि किसी प्रकार का यहाँ पे आके कोई प्रॉब्लम ना हो या COVID-19 का खतरा मतलब यहाँ पे ज़्यादा बढ़े नहीं, बिकॉज यहाँ पे मोर देन 34-40 लाख के आसपास इंडियन रहते हैं दुबई के अंदर। तो आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अपना UAE है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, इसका जो 40-50% पॉपुलेशन है वो इंडियन का है। तो अगर बहुत सारे लोग जो यहाँ से दुबई से इंडिया गए हैं, अगर सब आदमी एक साथ ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पे कितना भयावह स्थिति हो सकता है, जो कि यहाँ पे नर्सेज और हॉस्पिटल का बहुत ज़्यादा कमी है। तो आप लोग छुट्टी गए हैं, आपका वीज़ा 6 महीना वैलिड है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। दूसरा चीज़, कौन कौन नहीं आ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपका कोई नया वीज़ा इशू हुआ है तो आप अभी बिल्कुल नहीं आ सकते, या आपके पास आपका वीज़ा 6 महीना से कम बचा हुआ है तो भी आप नहीं आ सकते हैं, या इंडिया का वैक्सीन है, आपने दोनों डोज क्यों ना ले लिया हो, आप नहीं आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, अभी आपको इन सब चीज़ों की वजह से परेशानी झेलना पड़ सकता है। बाकी जो यहाँ से छुट्टी गए हैं, वैक्सीन डोज अपना पूरा प्रॉपर लिए हुए हैं, तो वो RT-PCR करवा के ICA का फॉर्म भर के अप्रूवल लेके दुबई आ सकते हैं। दुबई आने के बाद से एयरपोर्ट पे भी RT-PCR वापस होगा, उसके बाद से अगर आपको कोरोना नहीं निकलता है तो आपको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, आप डायरेक्टली जा सकते हैं। बाकी अगर आपको कोरोना निकल गया तो 10 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन किया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही वीडियो लेके आते रहता हूँ। थैंक यू सो मच।